और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर 6,900 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि 6,800 शिक्षकों की चयन सूची को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं हुआ है, ये कोर्ट ने टिप्पणी की है। बता दें कि 1 जून 2020 को जारी चयन सूची का रिव्यू करें, ये कोर्ट ने आदेश दिए हैं। और रिव्यू करते वक्त 50% से अधिक ना हो आरक्षण की सीमा। तो बड़ी खबर ये लखनऊ से मिल रही है, जहां पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में सरकार को बड़ा झटका लगा है। 6,800 शिक्षकों की चयन सूची को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं किया है, ये कोर्ट ने कहा है। 1 जून 2020 को जारी चयन सूची का रिव्यू करें, कोर्ट ने आदेश दिया है। और बता दें कि रिव्यू करते वक्त 50% से अधिक आरक्षण की सीमा न हो। तो बड़ी खबर ये लखनऊ से मिल रही है, जहां पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। 6,800 शिक्षकों की चयन सूची को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं हुआ है, कोर्ट ने कहा है। और बता दें कि 1 जून 2020 को जारी चयन सूची का रिव्यू करने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। और रिव्यू करते वक्त 50% से अधिक आरक्षण की सीमा ना हो, इसका भी ख्याल रखने के लिए कोर्ट ने आदेशित किया है। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है। इस मामले में सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चयन सूची को रद्द कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के जो नियम तय थे उन नियमों का पालन नहीं किया गया है। और कोर्ट ने 1 जून 2020 को चयन सूची जो जारी की गई थी उसका रिव्यू करने के आदेश भी दिए हैं।